जौनपुर वाली जी, हम दालान में बैठे हैं, हमारा नाश्ता वहीं ले आओ। जय भोलेनाथ। पन्ना, तुम गौरी को ले जाना बेटा। जी बाबूजी। जाओ गौरी, अंदर जाओ, हम नाश्ता वहीं भिजवाते हैं। सुनिए, आप माता जी के साथ दालान में बैठिए, हम आपका नाश्ता वहीं लेकर आते हैं। हाँ, लेकिन वो हमसे ठीक से बात भी नहीं कर रही है। तो क्या हुआ? अरे दो बातें सुन लीजिएगा, माता जी हैं आपकी। देखिए, उनको इस समय अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, बहुत दुखी हैं वो और गुस्से में भी है। हाँ, ये तो ठीक कह रही हैं आप, हम जाते हैं उनके पास। जी थी, जो आज के बाद दोबारा अपने घर में कभी कटहल लेके आई तो हम तुमसे सारे संबंध तोड़ लेंगे। अच्छा अच्छा, अब ये माफीनामा बंद करो और अपने पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध करो। हाँ, पंडित जी को बुलवा कर हवन भी करवा लेना। अच्छा, अब हम फोन रखते हैं। माता जी, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? कटहल एक सब्जी ही तो है। देखो माता प्रसाद, हमने तुमसे ये जरूर कह दिया है कि हम तुम्हारे बच्चों के मामले में नहीं बोलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हमारी बेटी गलती करे और हम चुप रहे। माता जी, नाश्ता कर लीजिए। ले जाओ, हमें भूख नहीं है। लेकिन हमें तो भूख लगी है, अब आप नहीं खाएंगी तो हम कैसे खा सकते हैं? ये अच्छा है, पहले अपनी माँ का दिल दुखाओ और फिर जताओ जैसे बड़ी परवाह है तुम्हें। लाओ जौनपुर वाली, लाओ, थोड़ा खा लेते हैं। नहीं, वो कहा है कि ये भूखा रहेगा तो पाप हमें लगेगा। हमें भी दीजिए। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोले। हे भगवान, ये माता जी तो बहुत ही नाराज है। समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी ऐसी नाराजगी के चलते हम नॉनवेज का मसला कैसे हल करेंगे।